आइए जानते हैं उन 13 बॉलीवुड और टॉलीवुड सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने अपने ही फैंस के साथ दुर्व्यवहार किया। नंबर 1, जैकलीन फर्नांडिस। सबसे पहले आती हैं जैकलीन फर्नांडिस। एयरपोर्ट पर वो कहीं जा रही होती हैं, तभी एक फैन उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आता है और वो गलती से, या फिर ये कह लें कि जानबूझकर, या मैं कह नहीं सकता कि कैसे हुआ, जैसे भी हुआ उसका पैर फिसल जाता है और वो जैकलीन के ऊपर गिर जाता है। नंबर 2, सामंथा। ये साउथ की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है और ये एक शोरूम के ग्रैंड ओपनिंग में गई होती है, तो वहाँ पे उनके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है क्योंकि कोई फैन आके उनका कान ही खींच देता है। जी हाँ, जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और इतने सारे बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी सामंथा सेफ नहीं है, ये बात सबको समझ में आ जाती है, तभी तो उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। नंबर 3, हीना खान। एक समय पे बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही और बिग बॉस से फेम मिलने के बाद इनका मॉल में मीटअप होता है, तो ये मीटअप में जा रही होती हैं कि तभी कोई व्यक्ति भीड़ से इनके बाल खींच देता है और ये वहीं पे चिल्ला भी देती हैं। नंबर 4, मीका सिंह और राखी सावंत। जब मीका सिंह के बर्थडे पार्टी हो रही होती है तभी मीका सिंह बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो राखी सावंत को अचानक से किस कर देते हैं, जिससे राखी सावंत बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती हैं और इसके बाद मीका सिंह पे वो पुलिस केस भी करती हैं, लेकिन आपसी सहमति करके राखी सावंत वो केस को वापस ले लेती, मगर मीका सिंह ने जो किया वो भी गलत था। नंबर 5, अक्षय कुमार। हमारे लेजेंडरी एक्टर के साथ भी उनके फैंस फोटो खिंचाना चाहते थे तो वो खुद ही अक्षय कुमार का मुंह पकड़ लेते हैं और फिर फोटो लेते हैं। नंबर 6, वरुण धवन। वरुण धवन कहीं जा रहे होते हैं तो उनके फैंस की भीड़ काफी ज्यादा लग जाती है, तो वो वरुण धवन के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगते हैं और वरुण धवन उसे साइड कर देते हैं। नंबर 7, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल जो कि एक इवेंट में गई होती हैं और वहां पर उनके फैंस की बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है और उनके फैन उनको आसपास घेर लेते हैं और कुछ फैन बहुत ही ज्यादा करीब भी आ जाते हैं। इस भीड़ भाड़ में उनके कुछ फैंस उन्हें गलत तरीके से टच कर देते हैं, जिस पर काजल अग्रवाल बहुत ही ज्यादा भड़क जाती हैं और उनका गुस्सा बहुत देर तक चलता है। काजल अग्रवाल जिस भी इवेंट में गई थी उधर उनको कम सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, बस जिस वजह से ऐसा हो गया। नंबर 8, सुष्मिता सेन। ये कहानी सुष्मिता सेन की है कि जो एक स्टोर के इनॉग्रेशन में गई हुई थी और उस स्टोर में सुष्मिता सेन की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और उनके बहुत सारे फैंस आ जाते हैं, तभी इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि कोई व्यक्ति आ जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर लेता है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ऐसा ही किस्सा सुष्मिता सेन बताती हैं कि उनके साथ एक अवार्ड शो में भी हुआ था। जी हाँ, जहाँ पीछे से कोई बहुत ही गलत तरीके से टच कर रहा था तो सुष्मिता सेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो एक 15 साल का बच्चा था, फिर भी बच्चा देखते हुए सुष्मिता सेन ने समझदारी दिखाई और उस बात का बतंगड़ नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती, मगर उस बच्चे ने जो भी करा वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत था। नंबर 9, जरीन खान। जरीन खान औरंगाबाद के एक शोरूम के ओपनिंग में गई होती हैं और जब वापस जा रही होती हैं तो भीड़ भाड़ में कोई व्यक्ति उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है तो जरीन गालों से पकड़ लेती हैं और उसे वहीं पे मारना शुरू कर देती हैं। नंबर 10, सारा अली खान। सारा अली खान जिम से लौट रही होती हैं, तभी एक रिपोर्टर उनकी बहुत ही गलत पोज में फोटो खींच रहा होता है, तो सारा उसे देख लेती हैं और उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती हैं। और एक बार सारा अली खान मंदिर में गरीबों को प्रसाद बांट रही होती हैं तो बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, जिस बात से सारा बहुत ज्यादा गुस्सा होती और चले जाने को बोलती हैं। नंबर 11, सामंथा। एक बार सामंथा जो कि किसी इवेंट में जा रही होती हैं, वहाँ उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और ज्यादा भीड़ होने की वजह से कोई उनके और पुलिस के बीच में आ जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर लेता है, और क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो सामंथा को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए वो चलती रहती। नंबर 12, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल अपनी टीम के साथ मूवी प्रमोट करने आई होती हैं, तो इंटरव्यू के दौरान छोटा के नायडू मौका देखकर उन्हें किस कर देते हैं और इसे देख के काजल अग्रवाल भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती। नंबर 13, सोनम कपूर। सोनम कपूर और धनुष अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए थिएटर में जाते और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है, फैंस और रिपोर्टर बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहे होते हैं, जिस वजह से धनुष सोनम कपूर को बहुत टाइट पकड़ते हैं और उन्हें गाड़ी तक ले जाते। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।